अंधेरे में क्यों खड़ी थी? अच्छा हाउस कृष्णा नाउ, ठीक है वो बुखार उतर गया, सो रही। थैंक गॉड, मुझे सुबह से उसकी फिक्र हो रही थी। एक के बाद एक पेशेंट आते रहे, काम में इतनी बिजी रही कि दोपहर में घर आने का टाइम ही नहीं मिला। काम में बिजी थी या पुलकित भैया के साथ थी? सर कुछ नहीं, कशिश और मैं सिर्फ दोस्त है, दैट्स इट। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो फिर वो क्या है जो हमने सब ने फोन पे देखा? क्या क्या देखा? किसने भेजा है? किसने भेजा, क्यों भेजा, ये जानना जरूरी नहीं है पुलकित। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब क्या है और ये कब से चल रहा है। बोल। सुन मेरी बात, तू इस लड़की के लिए अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता है? इस लड़की के चक्कर में तू इसे तलाक देना चाहता है? बताओ कशिश, सच क्या है? क्या तुम और पुलकित भैया प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। नहीं दीदी, यही सच है। ये जानते हुए भी कि पुलकित भैया शादीशुदा है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो कशिश? दीदी प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता, बस हो जाता है। हम दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। फिल्मी डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है, प्यार इतना भी अंधा नहीं होता कि कुछ दिखाई ना दे। ये तो सोचना चाहिए था ना कि पुलकित भैया शादीशुदा है, उनकी एक पत्नी है, उस बेचारी का क्या होगा? तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलकित भैया इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। हो गई गलती दीदी, और इसी गलती को तो पुलकित सुधारना चाहता है। और कुछ ही दिनों में पुलकित सुप्रिया को डिवोर्स देने वाला है। कशिश, चतुर्वेदी खानदान में आज तक किसी का तलाक नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। क्या भूल की है इस भूल सी लड़की ने जो इतनी बड़ी सजा दे रहा है तू उसको? अपनी माँ की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर भी तुझे अकल नहीं आई पुलकित? तू भी वही कर रहा है जो तेरे पापा ने किया। मैं अलग ही तो हूँ आप सब से, मैं अपने पति को बच्चे की खुशी नहीं दे पाई ना, इसीलिए तुम किसी और के साथ। बस बस कीजिए, ये गलत है। मुझे बच्चों से प्यार है, मैं भी बच्चे की खुशी चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इस बात का उस बात से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट मैंने सुप्रिया को समझाने की कोशिश की कि अगर हमारी किस्मत में मावा बनना नहीं लिखा है, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। मैंने सुप्रिया से कभी बच्चे की शिकायत नहीं की, ये अच्छी तरह जानती है, लेकिन ये खुद अपने आप को ब्लेम करती रही, हर्ट करती रही, डिप्रेस्ड होती रही, पर फाइनली मुझसे दूर हो गई। मैं अकेला हो गया था। मैं सुप्रिया बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, जैसे इसे मुझ में और मेरे इस घर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। पुलकित बहुत अकेला हो गया था, वो अपने मैरिड लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं था, अंदर ही अंदर टूट गया था वो। मैं तो बस एज अ फ्रेंड उसकी हेल्प करना चाहती थी। ट्रस्ट मी दी, हम दोनों को पता ही नहीं चला हम कब एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे। एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया हमारा। हे भगवान, हमारी आंखों के सामने ये सब उतर और कुछ समझ में नहीं आया।
कहाँ बच बना है पुलकित? ये शादी का मामला है, क्योंकि बच बने की वजह से मैं चतुर्वेदी खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिला सकती। शादी है शादी, कोई खेल नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्म तक होता है, इस बंधन से तू नहीं निकल सकता। भूल जा सकती को। नहीं दीदी, मैं उसे नहीं भूल सकती, मैं उसे भूलना ही नहीं चाहती। आई लव हिम। लेकिन उस प्यार का कोई मतलब नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो कशिश? कोई मंजिल नहीं है उस प्यार की, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। हमें तो पुलकित भैया के बारे में सोच सोच के हैरानी हो रही है। अगर वो सुप्रिया भाभी के साथ खुश नहीं थे, उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, उन्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। पुलकित भैया की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अफसोस उन्होंने बहुत निराश किया हमें। मैं जा रही हूँ पुलकित के पास और उसे यहाँ लेकर आती हूँ। आपके सारे सवालों का जवाब वो खुद दे देगा। कशिश, 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 हमारी बात तो सुनो। मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया है और तुम हो कि मेरा फोन। एक मिनट प्लीज। देखिए, हमारे घर में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, हमें और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं, प्लीज जस्ट गो। पुलकित, तुम इन सबको बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। तुम बता दो कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। अरे, प्यार किया है हमने, कोई कोई गुनाह नहीं। पुलकित, तुम चुप क्यों हो? जो सच है वो बता दो ना सबको। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। We can handle this. बल्कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अभी चुप बैठे हो? बेशरम लड़की है, इतना सब सुनने के बाद भी खड़ी है सामने। निकल जा अभी। तू जैसी लड़कियों को मैं खूब अच्छे से जानती हूँ, बस दूसरों का घर तोड़ना जानती है तू, और कुछ नहीं। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आके? इससे बात तू निकल। बल्कि क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? कल तुमने जो कुछ भी बोला था मैं जानती हूँ सच था। बल्कि प्लीज कुछ करो। खबरदार, वाह अम्मा जी, आज एक बार फिर एक लड़की को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही हूँ। अपने पोते को बचाने के लिए सारा इल्जाम वो किसी और के सर पर नहीं थोप सकती। तुम भी तो एक औरत हो ना अम्मा जी, एक बार एक औरत की नजर से देखने और समझने की कोशिश तो करो। लड़के हमेशा सही होते हैं और लड़कियां गलत, ऐसी सोच छोड़ दो। गंगा, ये क्या बदतमीजी है? मेरी फैमिली से इस तरह बात नहीं कर सकती तू। अच्छा, ये अब भी तुम्हारी फैमिली है? जहाँ तक हम जानते हैं तुम तो बरसों पहले सबको छोड़कर चले गए थे। It's none of your business. Yes, it's none of my business, सागर. लेकिन कशिश के लिए आवाज उठाने का पूरा हक है हमें। कोई उसके साथ बदतमीजी करे, ये हमसे बिल्कुल सहन नहीं होता। क्या सहन नहीं होता? क्यों सहेगी तू? सगी जो है तेरी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो दोनों ना, तुझ में कोई इज्जत है ना इसमें। इसीलिए तू मेरे घर में चली आई महिला मुक्ति मोर्चा का डंडा संभाले हुए। अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो बच्ची के पिता का नाम लेकर आइए, वो भी विद डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के साथ। अंकल, जब मम्मा बोल रही हैं कि मेरे पापा नहीं है तो आप मान क्यों नहीं रहे? अगर आपके पापा नहीं है तो आप ये दुनिया में आई कैसे? मम्मा के दिल से, उन्होंने मुझे सब बताया है। तुम्हारी मम्मी ने झूठ बोला है तुमसे, तुम्हारे पिता का नाम तुम्हें बताना नहीं चाहती, तुमसे छुपा रही है कुछ। ये सही है क्या मम्मा? मेरे पापा है क्या? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो?